मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हमारे यूट्यूब चैनल तिब्बी मालूमात में आपका खैर मकदम वेलकम है। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर आपकी खिदमत में नफ्स की कमजोरी को दूर करने, नसों की खराबी को दूर करने, टेढ़ेपन और नफ्स के पतलेपन को दूर करने के लिए एक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार नुस्खा लेकर हाजिर हूँ। वो नौजवान के जिन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा मुश्तजनी की, बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस की, हस्त मैथुन किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल बर्बाद कर लिया, नफ्स छोटा हो गया, पतला हो गया, सुकड़ गया, और वो ये चाहते हैं कि हमारा नफ्स पहले की तरह हो जाए और उसका पतलापन दुबलापन ख़त्म हो जाए और उसके अंदर फरबही और मोटापा आ जाए। तो ऐसे लोगों के लिए आज का ये नुस्खा बहुत ही पावरफुल और बहुत ही जबरदस्त है। आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ और जानते हैं कि हमें क्या करना है। दोस्तों, आपको करना यह है कि पंसारी की दुकान से लिसानुल असाफिर लाना है। लिसानुल असाफिर इंद्र जो शीरी को कहते हैं, इंद्र जो शीरी। तो लिसानुल असाफिर अगर आप पंसारी की दुकान पर कहेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, नहीं दे पाएगा, लेकिन आप उससे कहें इंद्र जो शीरी ले आए। और लाने के बाद आपको ये 50 ग्राम लेना है और लाकर आप उसे भैंस के ताजा दूध में भिगो दें, और जब वो अच्छी तरह से भीग जाए, फूल जाए, तो फिर आप उसको जो है सिल पर पीस लें, और पीसने के बाद में बस आपकी ये दवा तैयार हो गई। किसी डब्बे में इस दवा को आप रखें और फिर इस्तेमाल करने का तरीका सुन लें। इस्तेमाल करने का तरीका इसकी ये है कि रात को पहले आप अपने नफ्स को पानी से अच्छी तरह धोएं, और धोने के बाद में ये जो दवा आपने बनाई है इसमें से थोड़ी सी दवा लें और लेकर किसी बर्तन में रख के आप उसे गुनगुना करें, हल्का सा गर्म करें, और जब वो इतनी गर्म हो जाए कि आपका नफ्स बर्दाश्त कर ले और आपका जिस्म उसे बर्दाश्त कर ले, तो थोड़ा थोड़ा आप जो है उस दवा को लेकर अपने नफ्स पर मसाज करें, लगाएं, और लगाने के बाद मलमल के कपड़े की पट्टी बांधकर आप सो जाएं और सुबह को गुनगुने पानी से, गर्म पानी से अपने नफ्स को धो लें। कई रातों तक यही अमल करें, इससे आपका नफ्स बहुत ज्यादा मोटा भी हो जाएगा, बहुत सख्त भी हो जाएगा, और जो है उसके अंदर बहुत सी ताकत आ जाएगी, और जो भी उसकी खराबियां हैं, टेढ़ापन, पतलापन, छोटापन, सुकड़ापन, ये सब खत्म हो जाएगा। लिहाजा इस मुख्तसर से नुस्खे की कदर करें और अपने आप खुद ही बनाकर इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा फायदे होंगे।